सिंपल ट्यूटोरियल। यदि आपके अंगूठे में दर्द है, यदि आपको लाइक शेयर या सब्सक्राइब करने में कष्ट होता है तो मान्यवर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसे छोड़कर जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SST सो सिंपल ट्यूटोरियल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1। आज हम शुरू करेंगे लेसन 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इस लेसन में क्या पढ़ेंगे यह इसके टाइटल में ही स्पष्ट है, डेमोक्रेसी क्या होती है और क्यों। डेमोक्रेसी माय डियर स्टूडेंट्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, डेमोस एंड क्रेशिया। डेमोस मीन्स पीपल, क्रेशिया मीन्स रूल और पावर। तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। आज लेसन शुरू करने से पहले इन पिक्चर्स को देखिए। फर्स्ट पिक्चर, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये सज्जन नॉर्थ कोरिया के रूलर हैं। ये काफी न्यूज में भी रहते हैं, आपने इनका नाम सुना ही होगा। इनका नाम किम जोंग उन है। क्या उनको लोगों ने चुना है? अब सेकंड पिक्चर देखिए, ये सज्जन सऊदी अरेबिया के रूलर हैं। हालांकि इनसे ज्यादा इनके बेटे प्रिंस सलमान न्यूज में रहते हैं। क्या इनको भी लोगों ने चुना है? किम जोंग को उनके फादर के डेथ के बाद देश का सर्वोच्च नेता घोषित किया गया था। वे चुने गए रूलर नहीं है। इसी तरह सऊदी में जो किंग है उन्हें लोगों ने नहीं चुना है। वो तो इसलिए किंग बने क्योंकि उनका जन्म ही रॉयल फैमिली में हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज डेमोक्रेसी की शुरुआत हम एक सिंपल डेफिनेशन से करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग अपने रूलर्स को चुनते हैं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट तो कई हैं, जैसे मोनार्की या डिक्टेटरशिप वगैरह, पर इसी में लोग अपने रूलर को चुन सकते हैं। समझ गए? पर यह डिफिनेशन डेमोक्रेसी की समझ बनाने के लिए शुरुआत में तो सही है, पर काफी नहीं है, क्योंकि आज के समय कई देश की सरकार, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या नहीं, खुद को डेमोक्रेटिक दिखलाना चाहती है, इसीलिए चुनाव करवाती है। पर हमें उनको बहुत केयरफुली पहचानना है कि कौन असली डेमोक्रेसी है और कौन दिखावटी। पर हम यह पहचान कैसे करेंगे? यह हम तभी कर पाएंगे जब हम इस डेफिनेशन के हर वर्ड को समझेंगे और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को समझेंगे। सबसे पहला वर्ड है रूलर्स। हु आर द रूलर्स? हम रूलर्स किसे कहेंगे? जिनको हम रूलर्स मानेंगे उनमें क्या बातें होनी चाहिए? दूसरा वर्ड इलेक्शन है। हम किसी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कब कहेंगे या किसी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहलवाने के लिए किन कंडीशंस को फुलफिल करना होगा? तीसरा वर्ड पीपल है। हु आर द पीपल? ये जानना जरूरी है कि वे कौन लोग हैं जो रूलर्स को चुनते हैं। क्या इसमें सभी लोग बराबर की हैसियत से भाग लेते हैं? एंड फाइनली, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? क्या इलेक्टेड रूलर्स अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं या उन्हें किसी सीमा के भीतर रहकर काम करना पड़ता है? क्या उन्हें भी लोगों के राइट्स को रेस्पेक्ट करना पड़ता है? हमें इतने सवालों का जवाब समझना होगा, तभी हम डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इन सब बातों को बच्चों हम सब कुछ रियल स्टोरीज की मदद से समझेंगे। इन चारों सवालों के जवाब इन्हीं स्टोरीज में हैं। सबसे पहली कहानी, यह स्टोरी पाकिस्तान से है, जब वहां नवाज शरीफ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट काम कर रही थी। तब वहां के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ थे। इन अक्टूबर 1999 मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कू, CoUP, इसका प्रोनंसिएशन कू है। इट मींस सडन ओवरथ्रोइंग ऑफ ए गवर्नमेंट इलीगली, गैर कानूनी तरीके से किसी सरकार को उखाड़ फेंकने को कू या तख्ता पलट कहते हैं। तो मुशर्रफ साहब ने सैनिक तख्ता पलट कर सत्ता हासिल कर ली और फिर खुद को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं तो अब यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। समय बीता, 2002 आ गया। 2002 में इनको लगा
कि अपने शासन को लेजिटिमाइज किया जाए। लगे ऐसा कि भाई मैं यूं ही रूलर नहीं हूं, मैं लोगों की पसंद हूं, लोग ही मुझे एज ए रूलर चाहते हैं। तो उन्होंने एक रेफरेंडम करवा दिया। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम इज अ डायरेक्ट वोट इन विच द इलेक्टोरेट इज आस्क्ड टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। इसमें वोटर के सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है और उसमें यस या नो में जवाब देना होता है। जैसा कि इंग्लैंड ने 2016 में एक रेफरेंडम कराया और अपने लोगों से पूछा कि क्या उन्हें यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए, तो आधे से ज्यादा लोगों ने कहा हाँ अलग हो जाना चाहिए। इसके बाद इंग्लैंड ईयू से अलग हो गया। दरअसल मुशर्रफ साहब का यह रेफरेंडम एक दिखावा था। उन्होंने इस रेफरेंडम के माध्यम से अपने कार्यकाल को, मतलब टेन्योर को, 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। सभी जानते थे कि इस रेफरेंडम का रिजल्ट फिक्स था। आप लोग मैच फिक्सिंग समझते हैं ना? वही पाकिस्तानी मीडिया, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट आदि सभी ने यह आरोप लगाया कि इस रेफरेंडम में बड़े स्केल पर धोखाधड़ी हुई है। बहरहाल अगस्त 2002 में मुशर्रफ साहब ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया। ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बेसिकली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक ऑर्डर था। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कुड डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट वुड बी सुपरवाइज बाई ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच वॉज डोमिनेटेड बाई द मिलिट्री ऑफिसर्स। पाकिस्तान के पार्लियामेंट को स्टूडेंट्स नेशनल असेंबली कहा जाता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रोविंशियल असेंबली। ओके, तो इस तरह उन्होंने अपनी पावर बढ़ा ली। वे अब नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को भंग कर सकते थे। इसके बाद वहां चुनाव करवाए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर तो आए, उनको थोड़े अधिकार भी मिले, पर असल पावर मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास रहे। यहां हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, हु विल बी कॉल्ड रूलर्स। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में लोगों ने अपने रूलर्स को चुना? नहीं कह सकते। लोगों ने नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स तो चुने, लेकिन वे असली रूलर नहीं है। क्यों? बिकॉज दे कैनॉट टेक फाइनल डिसीजंस। द पावर्स टू टेक फाइनल डिसीजंस रेस्ट्स विद मुशर्रफ एंड हिज आर्मी ऑफिशियल्स, और ये लोग लोगों द्वारा चुने गए नहीं है। इसीलिए हम लोग पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ को डेमोक्रेसी नहीं मानते। समझ गए? तो इस तरह हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पहले फीचर पे आते हैं। इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किन के पास होने चाहिए? चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। ओके, अब दूसरी स्टोरी पर आते हैं। ये कहानी चाइना से है। चाइना की पार्लियामेंट को कुआंगो रेनमिन दाई बियावो दाहोई कहा जाता है। इसके लिए चीन हर 5 साल के बाद रेगुलर इलेक्शन करवाता है। इस पार्लियामेंट के पास देश के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का अधिकार है। इनकी पार्लियामेंट बहुत बड़ी है। इसमें करीब 3000 मेंबर पूरे चीन से चुनकर आते हैं। कुछ मेंबर्स को आर्मी भी चुनती है। कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने से पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ता है। बिना कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी के कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2003-2004 में हुए इलेक्शंस में सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिली जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे या कुछ छोटी मोटी पार्टीज जो कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध थी। वहां गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। अब एक और स्टोरी देख लीजिए मेक्सिको से। मेक्सिको में भी कभी न आर्मी रूल रहा न ही डिक्टेटरशिप। मेक्सिको में हर 6 साल बाद अपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं। पर विचित्र बात यह है कि एक पार्टी जिसका नाम PRI है, वही 2000 तक हमेशा इलेक्शंस जीतती रही। ऐसा नहीं था वहां कोई दूसरी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए PRI हर हथकंडे अपनाती थी। द PRI यूज्ड ऑल डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। देखिए वो पार्टी क्या क्या करती थी। All those
who were employed in government offices had to attend party meetings. जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे उनको पार्टी के बैठकों में जाना अनिवार्य था. टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI. गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के माँ बाप को PRI को वोट देने को कहते थे. मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम. मीडिया आमतौर पर अपोजिशन पार्टीज के एक्टिविटीज को इग्नोर करती थी, उनको कम कवर करती थी, और यदि कवर करती थी तो केवल क्रिटिसाइज करने के लिए. समटाइम्स द पोलिंग बूथ वेर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स. मतलब कई बार बूथ को लास्ट मोमेंट में चेंज करा दिया जाता था जिससे लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे. The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates. ये पार्टी इलेक्शन में पैसा पानी की तरह बहाती थी तो उसका एडवांटेज भी मिल जाता था. अब इन दो एग्जाम्पल्स को सुनकर आप बताइए, क्या आपको लगता है कि यहाँ के लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे थे? ऐसा तो नहीं लगता है. Does China give its people real choice? लोगों के पास कोई चॉइस तो होता ही नहीं था. उन्हें तो रूलिंग पार्टी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है और उसके अप्रूव्ड कैंडिडेट को ही वोट करना पड़ता था, कोई दूसरा विकल्प नहीं होता था. मेक्सिको को देखिए, वहां तो चॉइस हुआ भी करता था पर उस चॉइस का क्या फायदा, जब चाहकर भी लोग रूलिंग पार्टी को हरा नहीं सकते थे, जीतती तो PRI ही थी, तो वहां के इलेक्शंस फेयर नहीं हुआ करते थे. इस तरह हम लोग डेमोक्रेसी के एक और फीचर को समझ सकते हैं. Democracy must be based on free and fair elections, and those currently in power have a fair chance of losing. मतलब ये कि चुनाव करवा देना ही काफी नहीं होता है, चुनाव में लोगों के पास एक से ज्यादा political alternatives के बीच चूज करने की स्थिति होनी चाहिए. दूसरा, उनके पास ये चॉइस भी होना चाहिए कि वो जब चाहे तब रूलर को गद्दी से उतार सके. समझ गए? अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो आपने सुना ही होगा, इस प्रिंसिपल को अब लगभग सारी दुनिया ने मान लिया है, पर ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं जहां राइट टू वोट को डिनाई किया जाता है. देख लीजिए सऊदी अरेबिया को. सऊदी अरेबिया में महिलाओं को राइट टू वोट नहीं है. एक और देश है एस्टोनिया. ये नॉर्दर्न यूरोप में बाल्टिक सी के ऊपर स्थित है. ये 1991 में सोवियत यूनियन से अलग हुआ. इसके पॉपुलेशन में लगभग 78% एस्टोनियंस हैं और लगभग 12% रशियंस. एस्टोनिया ने अपने नागरिकता देने के नियम सिटीजनशिप रूल्स को कुछ ऐसे बनाए हैं जिसमें रशियन माइनॉरिटीज को वोटिंग राइट्स हासिल करने में मुश्किल आती है. रशियन माइनॉरिटीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट. साउथ पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया के ईस्टवर्ड आप पाएंगे फिजी आइलैंड्स. फिजी के इलेक्टोरल सिस्टम में वहां के मूलवासी जो हैं इंडिजिनस फिजी, उनके वोट का वैल्यू इंडियन फिजी के वोट के वैल्यू से ज्यादा होता है. बच्चों, डेमोक्रेसी तो पॉलिटिकल इक्वालिटी के सिद्धांत पर आधारित है ना. तो इस बात से हम थर्ड फीचर पे आते हैं. इन ए डेमोक्रेसी एवरी एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. मतलब सभी एडल्ट सिटीजन का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का वैल्यू एक समान होना चाहिए. किसी के वोट का वैल्यू ज्यादा और किसी का कम, ऐसा नहीं होना चाहिए. अब अगले स्टोरी में चौथे सवाल का आंसर ढूंढते हैं. ये कहानी जिम्बाब्वे से है. जिम्बाब्वे में अंग्रेजों का शासन था हमारे जैसे. उन्हें उनसे 1980 में मुक्ति मिली. वहां पर जानू PF नाम की एक पार्टी थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस है ना वैसे. रॉबर्ट मुगाबे उसके एक बड़े लीडर थे. आजादी के बाद से वे ही शासन कर रहे थे. उनकी पार्टी का ही रूल है. इलेक्शन तो रेगुलरली होता है पर जीत जानू PF की ही होती है. मुगाबे बहुत पॉपुलर है, फिर भी वे इलेक्शन में अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब गलत तरीके अपनाते हैं. उनकी गवर्नमेंट ने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए हैं. प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ाया गया और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कम किया गया है. वहां अपोजिशन पार्टीज के वर्कर्स को हैरस किया जाता है और उनकी मीटिंग्स में गड़बड़ी कराई जाती है.
वहाँ गवर्नमेंट के विरोध में जो पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं या जो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। एक ऐसा लॉ भी है जिससे वहाँ के प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज भी नहीं किया जा सकता है। सारा मीडिया, रेडियो और टीवी सरकार के कंट्रोल में है, जो सिर्फ उन्हीं को दिखाते सुनाते हैं। कहने को अखबार इंडिपेंडेंट तो है, पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाले जर्नलिस्ट को परेशान किया जाता है। सरकार ने यहाँ तक कि कुछ कोर्ट्स के जजमेंट की भी परवाह नहीं की है जो उनके खिलाफ थे। उन्होंने जजेस पर भी दबाव डाला। तो बच्चों, डेमोक्रेसी में जिसे हम रूलर्स कहते हैं, उन्हें बार बार हर बार इलेक्शन में लोगों का मैंडेट लेने जाना जरूरी होता है, ये तो हम जानते हैं, पर ये काफी नहीं है। जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल बताता है कि पॉपुलर गवर्नमेंट भी तानाशाह की तरह बिहेव कर सकते हैं। अगर हमें डेमोक्रेसी को परखना है तो इलेक्शंस पर भी नजर रखना जरूरी है। चुनाव से पहले क्या हो रहा है, चुनाव के बाद क्या हो रहा है, इन दोनों ही स्थिति पर नजर डालना होगा। चुनाव से पहले अपोजिशन पार्टीज को पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए स्पेस मिलता है या नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है या नहीं, लोगों को भी सोचने की, अपनी राय बनाने की, अपने विचारों को पब्लिकली एक्सप्रेस करने की, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की और पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने की आज़ादी है या नहीं, ये भी देखना होगा। इसी तरह चुनाव के बाद भी सरकार के तौर तरीकों को भी देखना होगा। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसने बाकायदे इलेक्शन जीता है इसलिए मनमानी तो नहीं कर रही है, उसे भी कुछ बेसिक रूल्स मानने होंगे। खास तौर से उसे माइनॉरिटी ग्रुप्स को दिए जाने वाली गारंटीज को भी रेस्पेक्ट करना होता है। हर फैसला सोच समझ कर विचार विमर्श करने के बाद लेना होता है। तो इस तरह हम डेमोक्रेसी के फोर्थ फीचर पर आते हैं। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। समझ गए? तो बच्चों, आइए एक फास्ट रिकैप करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बट दिस डेफिनेशन इज नॉट एनफ। तो हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए फोर फीचर्स को अंडरलाइन किया। इन ए डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग रेस्ट्स विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। हमें देखना है कि हमारे रूलर ही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हों। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब ये कि इलेक्शंस फ्री और फेयर हों और लोग जब चाहें अपने रूलर्स को बदल सकें। थर्ड, इन ए डेमोक्रेसी एवरी एडल्ट हैज वन वोट एंड एवरी वोट हैज वन वैल्यू। मतलब इलेक्शन में चुनने का अवसर सबको मिले, समान रूप से मिले। लास्टली, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। मतलब चुनी हुई सरकार कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा तय बेसिक रूल्स और लोगों के राइट्स को मानते हुए काम करे। विद दिस आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। नाउ यू रीड योर बुक। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डेमोक्रेसी। टिल देन, एंजॉय रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।